नमस्कार दोस्तों, टेक डिशो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव, और आज के इस टेक न्यूज सेशन के अंदर हम बात करेंगे BSNL की और साथ ही साथ में रिलायंस जियो की। हाँ जी दोस्तों, BSNL और रिलायंस जियो ने पार्टनरशिप कर ली है, और वो किस चीज़ को लेके की है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किस चीज़ को लेके गई है तो मैं आपको बता दूँ कि वॉइस कॉलिंग, क्योंकि सीधी सी बात है कि रिलायंस जियो के अंदर वॉइस कॉलिंग को लेके जो काफ़ी इशू चल रहा है और काफ़ी झमेला चल रहा है कि वॉइस कॉलिंग आप इजी से नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आप 10 बार ट्राई करते हैं, 12 बार ट्राई करते हैं, तो आप मुश्किल से 3 या 4 बार या 2 बार लगा पाते हैं वॉइस कॉलिंग, वो भी ढंग से बात नहीं होती है। तो इस इशू को लेके BSNL और रिलायंस जियो के बीच में समझौता हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, और उसके अंदर एक्चुअली क्या हुई है पार्टनरशिप की, इस चीज़ को लेके हुई है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स हैं उनको वो BSNL का जो 2G नेटवर्क है उसे यूज़ करके वॉइस कॉलिंग कर सकेंगे, और जो BSNL के कस्टमर्स हैं, BSNL के यूज़र्स हैं, वो रोमिंग मोड के अंदर रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, BSNL यूज़र्स रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे रोमिंग मोड के अंदर। अगर BSNL यूज़र्स, अगर मान लो आप BSNL यूज़र हैं, आपके पास 4G हैंडसेट है, आपके पास 4G स्मार्टफोन है, तो आप रोमिंग मोड के अंदर रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे आने वाले 3 महीने के बाद। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से, 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली ये हुआ कि, और इसमें फ़ायदा क्या है BSNL का और रिलायंस जियो का, तो रिलायंस जियो का तो डेफिनेटली फ़ायदा इस वॉइस कॉलिंग को लेके है कि वॉइस कॉलिंग उनकी जो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अदर कंपनीज़ के साथ जो इंटर कम्युनिकेशन है, अगर आप मान लीजिए आप रिलायंस जियो के कस्टमर हैं, यूज़र हैं, आप कॉल करते हैं किसी एयरटेल वाले नंबर पर, तो वो जो पकड़ है रिलायंस जियो की वो थोड़ी यहाँ पे डाउन है, और जो कॉल जो फॉल बैक हो रहा है इसके अंदर कॉलिंग को लेके, वॉइस कॉलिंग में, तो वो उसको मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए BSNL से इन्होंने समझौता किया है, ताकि वो BSNL के 2G नेटवर्क को यूज़ करके वॉइस कॉलिंग ऐड कर पाए रिलायंस जियो के यूज़र्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि BSNL की जो पकड़ है वो रूरल एरिया के अंदर, मीन्स गाँवों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो रिलायंस जियो को बेनिफिट इस चीज़ का भी काफ़ी मिलेगा रूरल एरिया के अंदर भी। और रिलायंस जियो का जो पकड़ है, रिलायंस का पकड़ है, वो जो अर्बन एरिया है, जो मान लो सिटीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और सिटीज़ वगैरह के अंदर BSNL लोग काफ़ी कम पसंद करते हैं, तो वहाँ पे जो पूरा जो BSNL की पकड़ है वो थोड़ी सी आप कम मान सकते हैं बाकी अदर कंपनीज़ के मुकाबले। ओके सो गाइस, इन दोनों कंपनीज़ के टाइप के पीछे दोनों कंपनीज़ के बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। डेफिनेटली रिलायंस जियो का जो इंटरकनेक्शन इशूज़ थे अदर कंपनीज़ के साथ, अदर नेटवर्क्स के साथ, और जो कॉल है वो नहीं लग पा रहे थे अदर कंपनीज़ के नंबर्स पे, या फिर आप नॉर्मली भी आप ले लीजिए ट्रैफिक की वजह से काफ़ी सारे यूज़र्स एक टाइम पे कॉलिंग करते हैं, तो इसके इस फॉल बैक को कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली BSNL से इन्होंने समझौता किया है। उनके 2G नेटवर्क जो है, BSNL का 2G नेटवर्क इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए काम में आने वाला है। तो डेफिनेटली रिलायंस जियो के जो यूज़र्स हैं वो आने वाले टाइम में BSNL के 2G नेटवर्क का यूज़ करेंगे वॉइस कॉलिंग पर्पस के लिए। वेल, ये डेफिनेटली रोमिंग मोड के लिए ही है, मीन्स अगर आप रोमिंग मोड के अंदर है, आपका जो फ़ोन, आपकी जो, आपका जो नेटवर्क है वो रोमिंग एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपको ये जो चीज़ें हैं, ये सर्विसेज हैं, इनका यूज़ आएगा, मीन्स इसका बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर आप एक BSNL यूज़र है, आप रोमिंग एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे आप रिलायंस जियो 4G की सर्विसेज है उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप रिलायंस जियो यूज़र हैं, तो अगर आप किसी कहीं बाहर जाते हैं, रोमिंग एरिया के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको BSNL का 2G नेटवर्क की हेल्प मिलेगी वॉइस कॉलिंग के लिए। तो ये साला समझौता इस पर्पस को लेके हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बराबर कि क्यों रिलायंस जियो ने और क्यों BSNL ने समझौता किया है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि BSNL के यूज़र्स को कितना चार्ज लगेगा रिलायंस जियो 4G सर्विसेज यूज़ करने के लिए जब वो रोमिंग एरिया के अंदर हैं, मीन्स ये इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और BSNL के जो चेयरमैन हैं मिस्टर श्रीवास्तव, उन्होंने बोला है कि आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने के बाद, आई होप कि नेक्स्ट ईयर से इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि कितने चार्जेस आपको BSNL यूज़र्स को देने होंगे इस रिलायंस जियो 4G सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि रिलायंस जियो
के जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, जिनको BSNL के 2G नेटवर्क का की हेल्प मिल रही है वो उस कॉलिंग के लिए, तो उनको कोई चार्ज नहीं देना होगा। जैसे कि मुकेश अंबानी सर ने कहा था कि जो सारे वॉइस कॉलिंग फीचर्स है, वॉइस कॉलिंग जो फीचर है वो बिल्कुल फ्री है रोमिंग एरिया के अंदर भी। तो रिलायंस जियो के लिए तो ये डेफिनेटली अच्छी खबर है कि वॉइस कॉलिंग फीचर जो है उनका वो आने वाले टाइम में थोड़ा तो मतलब अच्छा हो पाएगा, हम आशा कर सकते हैं। और ये न्यूज़ आई है जस्ट आफ्टर BSNL ने साइन किया है अपना अदर कॉन्ट्रैक्ट, वो है वोडाफोन के साथ। वो भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है, 2G इंट्रा सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया है दोनों कंपनीज ने, जो कि हेल्प करेगा कॉल ड्रॉप्स को रिड्यूस करने के लिए। जो कॉल ड्रॉप्स होती है, लाइक कॉल नहीं लगता है, नेटवर्क का इश्यूज़ होता है, तो उसको ड्रॉप करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि BSNL काफ़ी उसकी जो पहुंच है BSNL की वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फैलाव है पूरे इंडिया के अंदर वोडाफोन से भी ज़्यादा। बट जो वोडाफोन की जो पकड़ है अर्बन एरिया के अंदर वो काफ़ी मजबूत है। तो दोनों कंपनीज़ को इस जो पार्टनरशिप है इस कॉन्ट्रैक्ट से भी फ़ायदा होने वाला है डेफिनेटली। ओके सो गाइस, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आगे और भी ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग इस न्यूज़ के बारे में जान पाए। गाइस, मैं गौरव आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।